इस वीडियो के लिए हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है रिजवान मिक्सिंग ने, भाई फ्रंट ब्रेक आवाज़ कर रहा है, ब्रेक पेड चेंज करने की वीडियो बना दो। तो ब्रेक पेड चेंज करने की वीडियो उनके कमेंट का रिस्पांस दिया है। तो आपको बता दें कि डिस्क ब्रेक के पेड चेंज करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्क पेड चाहिए आपको, डिस्क ब्रेक का ऑयल चाहिए .3, एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर चाहिए है, एक आपको चाहिए पाइप, ये वो नॉर्मल वाला पेट्रोल पाइप है, और चाहिए एक छोटा स्क्रू ड्राइवर, एक चाहिए आपको 10 नंबर रिंग पाना, ये 10 नंबर की अपन को ज़रूरत पड़ेगी, ये देख सकते हैं 10 नंबर है, और ये चाहिए 4 माउथ वाला स्क्रू ड्राइवर, ये ऑयल भरा रहता है जो उसके हेड को खोलने के लिए काम में आएगा ये 4 माउथ वाला, और चाहिए अपने लिए एक 12 नंबर का रिंग पाना, ये जो कैपिलरी के ये कसे रहते हैं बड़े बड़े इस बोल्ट, इनको खोलने के लिए 12 नंबर लगेगा इसमें, तो ये आप देख सकते हैं 12 नंबर रिंग पाना है अपने पास। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हम प्रोसीजर बताते हैं किस प्रकार से आपको खोलना है, कैसे ब्रेक पैड लगाना है, तो आप इस वीडियो को देखें पूरा, आप एक बार देख लें कि ब्रेक पैड किस प्रकार दिख रहे हैं, आपके चेंज होने की ज़रूरत है कि नहीं। आप इस तरीके से नीचे से झुक कर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ब्रेक पैड बिल्कुल भी बची नहीं है कि अपन उसका और यूज़ कर सकें, लगाने पर आवाज़ आती है, ब्रेक घिसते हैं, तो इसका मतलब चेंज करने का हो जाता है। तो अपन इस वीडियो में पूरा चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने ब्रेक पैड जैसा कि चेक कर लिए हैं चेंज करने के हैं, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये सबसे पहले ये जो बोल्ट के ऊपर ये रबड़ लगी रहती है, इस रबड़ को निकाल देंगे। उसके बाद इसमें एक अपन पाइप लगा लेंगे, ये वाला जो अपन ने पाइप है लिया था, ये ब्रेक पर पाइप लगा देंगे इस बोल्ट में, और इसके बाद इसमें अपन 12 नंबर पाना का यूज़ करेंगे, 12 नंबर रिंग पाना को अपन इसमें से डाल देंगे और इस स्क्रू को ढीला कर लेंगे। असल में ये कैपिलरी का प्रेशर निकालने के लिए स्क्रू रहता है कि ब्रेक ऑयल का जो प्रेशर है वो कम हो जाए, तो सारा ऑयल रहता है वो इस पाइप में आ जाएगा। अगर आप इस पाइप को नहीं लगाएंगे तो ऑयल नीचे गिर जाएगा, और जब ये वापस पिस्टन को, ये जो कैपिलरी में जो पिस्टन रहते हैं, जब वो वापस खींचेंगे तो एयर चली जाएगी, तो आपको ब्रेक ऑयल में प्रेशर बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आप पाइप का यूज़ करें, यहाँ पर दो पिस्टन लगे रहते हैं, तो अपन ने जैसा कि ये जैसे इसको किया है ढीला, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल आ गया है, ये प्रेशर वाला ऑयल है। प्रेशर ऑयल निकालने के बाद आप अपन क्या करेंगे, इन दोनों बोल्टों को खोल लेंगे और कैपिलरी को बाहर निकाल लेंगे। तो 12 नंबर पाना से अपन इन दोनों को खोल लेंगे, ये देखिए बहुत ही टाइट लगे रहते हैं, तो बड़े आप आराम से करें इसको, एकदम झटके से आपका हाथ माथ में लगना जाए तो उसका आप ध्यान रखें थोड़ा सा। जैसे ये एक बार इसकी टाइटनेस चली जाती है तो इसको आप हाथ ही से घूम जाएंगे, ये तो मेरे घूम गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। 12 नंबर से अपन ने इसको खोलने के बाद इसके दोनों नट को निकाल लेंगे, दोनों नटों को, और उसके बाद अपन कैपिलरी को डिस्क में से निकाल लेंगे। जैसा कि अपन ने ये दोनों स्क्रू खोल लिए हैं, अब कैपिलरी ये ढीली हो गई है, तो आप इसको निकाल लें। उसके लिए आप किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद ले सकते हैं, वैसे भी अपन ने ये स्क्रू खोल दिया है ऊपर वाला, तो वहाँ से ऑयल प्रेशर तो ऑलरेडी कम हो गया है, बस ये फंसा हुआ रहता है थोड़ा सा, पुराने ब्रेक पैड डिस्क के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, तो उसमें से अपन को निकालने की ज़रूरत पड़ती है बस। तो अपन ने जैसा कि इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको एडजस्टमेंट करके इसको निकाल लिया है, और ये देखिए मूव होने लगी है कैपिलरी, थोड़ा सा प्रेशर अपन कैपिलरी पे डालेंगे तो ये निकल आएगी, ये देखिए अपनी कैपिलरी निकल आई है। उसके बाद अपन इसके ब्रेक पैड को दिखा देते हैं आपको हम, ये जो अपन ने खोला हुआ है इसी के ऑयल प्रेशर कम होता है, इसको आप खुला रहने दें। ये पिस्टन देख सकते हैं आप, ये दो पिस्टन लगे रहते हैं कैपिलरी में फ्रंट वाले में, और अगर आप इसको बिना खोले ही दूर करेंगे पिस्टन को तो यहाँ से ऑयल लीक होने लगेगा, यहाँ से रबड़ में से ये इसका मेजर कट ख़राब हो जाएगा आपका मास्टर सिलेंडर का, तो इस स्क्रू को आप ज़रूर ही खुला रहने दें। और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन नए ब्रेक पैड लगाएंगे, तो उसके लिए अपन जगह ही बनाएंगे। तो सबसे पहले पुराने पिस्टन जो बाहर आ गए हैं इनको अपन को अंदर करना पड़ेगा। ये डिस्क ब्रेक में ये बहुत अच्छी खासियत रहती है कि ब्रेक के प्रेशर से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं, अपन को ब्रेक टाइटनिंग करवाने पड़ते हैं, ये पिस्टन ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब भी अपन नई ब्रेक पैड लगाते हैं तो इन पिस्टन को अपन को वापस पीछे करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर इन दोनों ब्रेक पैड के बीच में लगाकर इसको अपन मूव करेंगे, तो ये पीछे चला जाएगा पिस्टन, और इसके बाद अपन पिस्टन को पीछे करने के बाद इस ब्रेक पैड को निकाल लेंगे, ये पिन निकाल लेंगे सबसे पहले,
ये पिन अपन ने जैसा कि निकाल ली है। इसके बाद अपन इसमें ये जो राड डाली हुई है इसको निकाल लेंगे। ये देखिए राड अपन खींच लेते हैं इसको। ये देखिए राड निकल आई। जैसे अपन ने राड निकाली तो ये पुराने ब्रेक पर निकल आई, आप देख सकते हैं किस प्रकार हो गए हैं, पूरी तरीके से घिस चुके हैं। अब अपन नए ब्रेक पैड जो अपन लेकर आए हैं, आप ब्रांडेड यूज़ कर सकते हैं, जेन्युइन पार्ट रहते हैं जो बाइक के, नहीं तो आप मार्केट से और अदर ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक पैड दोनों ब्रेक पैड आपको हम बता देते हैं, जो अपने न्यू हैं और जो ओल्ड निकले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये ओल्ड वाले पूरे घिस चुके हैं। ये अपन देख सकते हैं कितना एरिया घिस गया है, ये देख सके हैं पूरा एरिया घिस चुका है। ये यूज़ के लायक नहीं बची थे इसलिए उनमें से आवाज़ आने लगी थी। तो अब अपन इसमें नए ब्रेक पैड डालेंगे कैपिलरी में। सबसे पहले अपन राइट साइड का डालेंगे। एक कैपिलरी जिस प्रकार से लगती है राइट रहता है, तो आपको राइट डालना है ये। उसके बाद अपन लेफ्ट डाल देंगे। लेफ्ट जैसा अपन ने डाला हुआ है ये देख सकते हैं पूरी तरीके से फिट आ गए हैं। उसके बाद जो अपन ने राड निकाली हुई थी इस राड को अपन वापस लगा देंगे। यहाँ से ये वापस लग जाएगी राड। ये देखिए आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप राड को लगा लें। राड को लगाने के बाद जो पिन अपन ने निकाली हुई थी इस पिन को भी अपन वापस लगा देंगे। इसमें एक गैप बना रहता है होल, उसमें अपन वापस लगा देंगे। इसको अब अपने अकॉर्डिंग प्रेशर करके लगा सकते हैं, किसी चीज़ से प्रेशर डाल दें इसके ऊपर ये तो वापस लग जाएगी पिन। ये जैसा कि अपन लग गई है। इसके बाद जो अगर आपकी कैपिलरी पे ऑयल गिर गया हो तो इसको आप क्लीन कर दें, ये ऑयल कहीं आपके ब्रेक पैड पे ना आ जाए, नहीं तो ब्रेक लगने में प्रॉब्लम जाएगी स्टार्टिंग में। तो अपन ने इसकी कैपिलरी को भी थोड़ा पॉज दिया है। इसके बाद अपन देख लेते हैं, जैसा कि इसमें जगह नहीं बची हुई है ये डिस्क के लिए, तो अपन स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये इसमें थोड़ी स्पेस क्रिएट करेंगे। स्पेस क्रिएट करने के बाद अपन कैपिलरी को वापस लगा देंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपन देख सकते हैं कि अपन ने स्पेस क्रिएट कर लिया है, ये प्रेस्टन वापस चले गए हैं। जैसे अपन इसकी प्रेशर डालते हैं तो ये जो प्रेस्टन है वापस जाते हैं और ऑयल भी निकलता है उसमें। तो अपन ने ये देखिए इतना स्पेस क्रिएट कर लिया है। इस स्पेस क्रिएट होने के बाद अपन कैपिलरी आराम से इस डिस्क में लग जाएगी। तो अपन इसको वापस लगा देंगे। आप इसमें जैसा आपने निकाला हुआ था ये वैसे ही लग जाएगा, बड़े आराम से लग जाएगा क्योंकि अब तो ऑयल का कोई प्रेशर रहता नहीं है। उसके बाद ये अपन होल एडजस्ट कर लें इसमें कि होल कहाँ पर आ रहे हैं ये। उसके बाद अपन दोनों स्क्रू को लगा देंगे अपनी जगह पर। इन स्क्रू को लगाकर अपन फुल टाइट कर देंगे क्योंकि ये कैपिलरी बहुत ही अच्छी तरीके से कसी रहनी चाहिए। इसको कसने के बाद 12 नंबर पाना से अपन वापस टाइट कर देंगे इसको। अच्छी तरह से टाइट कर देंगे दोनों बोल्टों को। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अपन ने ऑयल के लिए ये खोला हुआ था ऑयल का प्रेशर कम करने के लिए ये स्क्रू, इस स्क्रू को अपन वापस कस देंगे क्योंकि अब अपन को क्या है प्रेशर जनरेट करना है। वापस अपन को इसको प्रेशर वाली कंडीशन में लाना है जिससे प्रेशर जनरेट हो और ब्रेक अपने लगाने पर एकदम लग जाए। अपन ने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद अपन इस पाइप को भी निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं ये ऑयल निकला इतना। इसके बाद जो ऑयल अपना बगर गया है कैपिलरी पे, जो ऑयल गिर गया है डिस्क पे गिर गया है, इसको अपन पोंछ लेंगे, नहीं तो ये क्या हो गया ब्रेक पैड के बीच में आ जाएगा। तो अपन इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। इस रबड़ को जो अपन ने निकाली हुई थी तो इसको वापस लगा देंगे इसमें, एक नहीं तो कचरा चला जाएगा इस स्क्रू में जो होल रहता है जहाँ से ऑयल निकलता है। तो इस रबड़ को आप ध्यान से लगा दें, नहीं तो आपको अगली बार हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए इसमें कचरा जाने की बजाय। अब अपन ने कैपिलरी वापस लगा दी है उसकी पोजीशन पे, ब्रेक पैड चेंज कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं एक बार ये किस तरीके से दिख रहे हैं, ये पहले से आपको अलग अलग ही दिख जाएंगे। अपन ने नए पैड लगाए हुए हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें ब्रेक ऑयल डालेंगे। ब्रेक ऑयल इसका बहुत सारा गिर गया है तो अपन को ब्रेक ऑयल डालना पड़ेगा। तो अपन ऊपर से इसका ब्रेक ऑयल डालेंगे। ब्रेक ऑयल आप कौन सा यूज़ करें, ब्रेक ऑयल आप यूज़ करें .3, इस पर लिखा हुआ है ब्रेक फ्लूइड, आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांड ले सकते हैं। तो अपन आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ये कैप लगा रहता है जिनमें ये दो फोर माउथ स्क्रू लगे हुए हैं, इनको अपन खोल लेंगे, दोनों को अपन खोल लेंगे और इसमें ऑयल भरेंगे।
ये अपन ने दोनों को खोल के कैप निकाल ली। आप देख सकते हैं ये ऑयल पूरा ख़त्म हो गया था। ब्रेक पैड जब भी चेंज करें या आप बाइक की सर्विसिंग करवाएं तो ब्रेक ऑयल का ध्यान रखें। ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो आपका ब्रेक नहीं लगेगा। ये अपन ने ब्रेक ऑयल फुल कर दिया है इसमें। इसके बाद इसका कैप वापस इसकी पोजीशन पे अपन लगा देंगे। ये कैप रहती है जिसमें ये रबड़ रहती है नीचे, ये रबड़ की वजह से इसमें ना पानी जाता है, ना कचरा जाता है, ना ही इसका ब्रेक फ्लूइड बाहर आता है। या आप एक बार देख लें कि कहीं आपकी रबड़ ना कट गई हो तो उसका भी आप एक बार देख लें। ज़रूरत पड़े तो आप न्यू रबड़ इसमें लगा दें। वापस अपन ने इसके स्क्रू लगा दिए हैं। उसके बाद अपन इसका लीवर दबाकर प्रेशर जनरेट करेंगे। प्रेशर जनरेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ब्रेक लीवर दबाएंगे इस प्रकार, ये पूरा दब जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर ब्रेक फ्लूड जाना चालू होगा पंप के इस थ्रू कैपिलरी में, तो वापस प्रेशर जनरेट हो जाएगा और ब्रेक दबना कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 15-20 बार ब्रेक दबाने पर ये आपका वापस पहले जैसा आ जाएगा। उसके बाद अपन ब्रेक टेस्ट करेंगे कि ब्रेक किस प्रकार लग रहे हैं, तो अपन ब्रेक लगा के बता देते हैं। ये देखिए अपन ने ब्रेक लगाया और तुरंत ब्रेक लग गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।